Hi guys, what's up and welcome back to my channel. Welcome back after so long. Finally I'm doing a sit down video. काफी समय हो गया. So recently ये सब मैंने purchase किया था Myntra से, तो time नहीं मिल रहा था haul बनाने का. तो finally I decided कि आज मैं ये haul video बना रही हूँ. I hope आपको मेरे collections अच्छे लगेंगे. So without further ado, let's get into this video. और राइट, सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू, सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. डू चेक देम आउट. अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप जरूर परचेस कर सकते हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. और राइट, तो फर्स्ट आइटम इन दिस हॉल मैंने ये, और मैं शो यू ये, मैंने इन सारे पैकेट्स में ही रखे हुए हैं. तो ये जो पहला आइटम है इन दिस हॉल इज गोइंग टू बी अ ब्लैक, यस माई फेवरेट. सो मैंने ये ब्लैक कलर का, आई होप आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का टॉप ऑर्डर किया है. इसका नेक ऐसे वी नेक है या, सीरियसली आई लव दिस काइंड ऑफ नेक्स. और इस नेक के नीचे ये थोड़ा सा इस टाइप का डिज़ाइन है. अदरवाइज़ ये पूरी प्लेन टी शर्ट है. इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये रिब टॉप है. आई थिंक जो मोस्टली जो थोड़ा कूल वेदर होता है, थोड़ी थोड़ी सी जो ठंड होती है उसमें बहुत कंफर्टेबल आपको लगेगा, वार्म थोड़ा महसूस होगा. ये जो ब्रांड है ये हेयर एंड नाउ का मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम ऑफ द साइज़ एल. तो मुझे थोड़ा लूज़ फिटिंग चाहिए थी, पूरी टाइट नहीं, तो मैंने ये ऑर्डर किया. और ये इसका प्राइस मैं डाल दूँगी कहीं पे, आप चेक कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम इन दिस हॉल, अब जब हमने टॉप ले लिया तो हमने ये भी डिसाइड किया कि हम कुछ ट्राउज़र लेंगे. ये ट्राउज़र स्पेशली मैंने लिया कि मैं मॉर्निंग वॉक कर सकूं. हाँ वो बात अलग है, जब रोज़ा ख़त्म हुए तब से मैं उठ नहीं पाई हूँ. मतलब इफ्तारी करने के लिए उठती थी तो मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती थी, मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता था. बट अभी मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, मैं फिर से उठ रही हूँ आराम लगा के. सो या, सो ये जो है एक पिंक कलर का, मैंने बहुत डिफरेंटली ब्लैक छोड़ के पिंक पे मैंने ये ऑर्डर किया है. एंड या वाओ, मतलब ये इतना पिंक नहीं है जितना आपको दिख रहा है वीडियो में. ओके, इसमें इलास्टिक लगी हुई है. ये आपको नाड़ा भी मिल जाएगा. एंड लेंथ इज एंकल लेंथ तक है ये. और ये थोड़ी इस टाइप की यहाँ पे आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगे, तो जो आप जब वॉक पे जाते हो तो अपना फ़ोन यहाँ पे डाल लेना. ऑलराइट, एंड दिस इज़ अ सिंपल ट्राउज़र. और हाँ ये विंटर के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट में मिल गया था, इसलिए मैंने इसको रख लिया कि हाँ अभी तो नहीं, नेक्स्ट विंटर में मैं इसको ज़रूर पहन लूँगी. वाह, या आई लव्ड इट सो मच. इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है. और इसका जो मैंने साइज़ ऑर्डर किया है वो है 30 साइज़ मैंने ऑर्डर किया है. और ये ब्रांड है टोकियो टॉकीज का. प्राइस मैं डाल दूँगी, प्राइस आप चेकआउट कर लेना. इसके साइड में भी जेब है, या विच इज़ गुड पार्ट, आई लव, जिसमें पॉकेट्स रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है. सो ये भी थर्ड आइटम इन दिस हॉल इज़ गोइंग टू बी रेड कलर. यस, इस बार मैंने ज़्यादा ब्लैक नहीं लिए, कुछ रेड कुछ पिंक में लिए. तो ये है कौन से ब्रांड का है, ये है मस्त एंड हार्बर ब्रांड का. दिख नहीं रहा, आई थिंक मीशो फोकस आ जाए, फोकस. ओके, जो भी है मैं लिंक डालूँगी. इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो है एक्सेल, बड़ा ले लिया साइज़, क्योंकि पता नहीं आजकल मुझे बहुत लूज फिटिंग पहनने का बहुत मतलब मन होता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होता है. सो ये एक रेड कलर का टॉप है, ये भी एक बेसिक टॉप है. आई लव दिस नेक, इसका भी नेक मुझे बहुत पसंद आया. ये जो होता है ना थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा सा वी है यहाँ पे. और जो सिंपल सा ये है, ये मैंने लिया समर्स के लिए, ये आप पहन सकते हो समर्स में, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है ये, कॉटन ब्लेंडेड है. ऑलराइट, इसका साइज़ मैंने एल लिया, जस्ट आई टोल्ड यू मैं नॉट एल, इट्स एक्सेल. बट मैंने जब इसको पहना ट्राई किया, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एट द सेम टाइम एंड आई लव द कलर, ये बहुत सॉफ्ट है. मूविंग टू द लास्ट आइटम इन दिस हॉल, ये मैंने परचेज किया है Myntra से ही. एंड दिस इज़ समथिंग आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लाइक मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखी थी, तो आई थॉट कि मुझ पर ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया. सो दिस इज़ समथिंग ब्लू इन कलर. सो ये एक रॉयल ब्लू का फुल स्लीव्स, ओके फुल स्लीव्स का, वो जो हॉर्सी, इसका मटेरियल हॉर्सी है,
ओके, जो जो गंजी कपड़े होते हैं वो वाले इसके मटेरियल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। इसका नेक बस यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, मैं आपको फोटोज लगा दूंगी, और पीछे में बस ये आपको ऐसे करना है, जस्ट ये पीछे में बहुत, मतलब ये बहुत प्यारा लगेगा। जस्ट ये आपके बैक पे होगा, अदरवाइज़ ये नॉर्मल प्लेन फुल स्लीव टी शर्ट्स है। जो ब्रांड है वो है ड्रेसवेरी का, आई थिंक इससे पहले भी मैंने एक टॉप लिया था वो ड्रेसबेरी का ही था। इसमें जो मेरा साइज़ है वो एक्सेल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको मेरे कलेक्शंस अच्छे लगे होंगे। आई होप अगर आपको कुछ पसंद आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके ज़रूर परचेस कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।